कि दिल ना लग गई हा फिर जाने आई हा तो हम जा 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 जाने भुला जाइया तो हम जा 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 जाने भुला जाइया। तो जय हिंद दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है हाई स्कूल कक्षा 10 चैप्टर 3.5 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड फोर्थ फिफ्थ देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी। चलिए वीडियो करते स्टार्ट। तो नजरें जमा रखिए, इसमें खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, प्लीज कम ऑन। तो देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। देखिए कह रहा है कि यश ने 40 अंक प्राप्त किए, कैसे प्राप्त किए कि सही उत्तर पर 3 अंक मिलते थे और गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती थी। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना यश ने सही प्रश्न किए बराबर x, यानी कि उसने x प्रश्न माने सही किए। फिर आगे कह रहा है कि गलत प्रश्न के लिए, तो गलत प्रश्न किए यश ने, गलत प्रश्न किए एप्पल y मान लेते हैं, यानी कि सही किए x और गलत किए y। तो अब देखिए कि सही उत्तर पर 3 अंक मिलते, तो सही उत्तर पर 3 मिलते तो 3 और उसने यक्स सही किया तो 3x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x। फिर देखिए गलत उत्तर पर, तो यानी जब कम होगा तो माइनस के चिन्ह आएगा तो माइनस का लगा दिया। अब कह रहा कि गलत उत्तर पर 1 अंक कटते, तो जब इसमें 1 का गुणा करेंगे तो y ही रहेगा इक्वल, उसने 40 अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पे आ गए 40। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। देखिए कि सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलते तो उसने एक्स सही किए और जब 3 अंक मिला तो 3x यानी गुणा कर दिया, इसी तरह इसमें किया, ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तो 4x माइनस, गलत अंक पर 2 अंक कटते तो 50 अंक प्राप्त करता। तो प्रश्न टोटल प्रश्न कितने थे, तो देखिए यहाँ पे माइनस का है और यहाँ भी माइनस का है, लेकिन यहाँ पे 2y और यहाँ पे y है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर। जब समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो देखिए जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 तो यहाँ 6x माइनस, अब 2y इक्वल 40 दूना 80, ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड ऐसे ही लिख लेंगे 4x माइनस 2y इक्वल 50। अब देखिए ये माइनस के ये माइनस का तो कटेगा नहीं, तो आप लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर, तो देखिए चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये कट गया। 6x में 4x जाएंगे तो 2x इक्वल, अब 80 में जब 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, तो x बराबर आ गया हमारा 15 है। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे इसमें, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान 1 में रखो या 2 में रखो, बात वही है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये दिया गया 3x माइनस y बराबर 40, तो 3x का मान कितना है 15 है माइनस y बराबर 40, 15 तीन 45। अब ये प्लस का 40 इस साइड लाएंगे तो माइनस का 40 इक्वल, या माइनस का y जब उस साइड चला जाएगा तो प्लस का y, और 45 में जब 40 जाएंगे तो कितना बचेगा 5 बराबर y। देखिए x का मान है 15 और y का मान 5, तो देखिए यश ने सही प्रश्न किए x माना तो कितने सही किए 15 सही किए, और गलत वाले y माने तो y का मान आ गया 5, तो 5। तो जब सही गलत के योग करेंगे तो टोटल प्रश्न कितने थे, 20 प्रश्न थे। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आओगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। आगे देखिए कह रहा कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए बी है, तो एक ये मान लेते स्थान ए है और एक ये स्थान बी है, ये कोई स्थान है, तो कह रहा इन 100 किलोमीटर की दूर है, तो इनके बीच की दूरी कितनी 100 किलोमीटर। अब देखिए यदि एक
एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं, यानी ये कार यहीं इस बिंदु से चले और ये वाली कार बी इस बिंदु से चलना प्रारंभ करे, तो वो 5 घंटे बाद मिलती हैं। ये कोई बिंदु मान लेते हैं डी है, तो इस बिंदु पर मिलती हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ये 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे हम कि माना एक ही चाल मान लेंगे हम एक्स किलोमीटर प्रति आवर, और बी की चाल मान लेंगे हम बी की चाल बराबर वाई किलोमीटर प्रति आवर। तो देखिए अब वो 5 घंटे बाद मिल रही हैं, तो क्या करेंगे अब देखिए क्या करेंगे कि दूरी बराबर एक होता है फॉर्मूला चाल गुणा समय, तो दूरी निकाल लेंगे। तो चाल कितनी है, एक ही चाल है एक्स किलोमीटर, और समय कितना ले रही 5, तो 5y। तो देखिए ये हो गया 5x, इतनी बात समझ, 5x, फिर समय कितना ले रही बी, कितनी चाल बी कितनी है वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई गुणा 5। देखिए दूरी इसकी तो निकाल ली, ए वाले की, बी की निकालेंगे तो बी की कितनी है वाई, तो 5y हो जाएगा, तो 5x - 5y। अब टोटल ये ए और बी बिंदु के बीच की दूरी कितनी थी 100, तो 100 रख दिया। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें 5 कॉमन हो रहा, तो इससे 5 कॉमन कर लेंगे, तो एक्स माइनस यहाँ पे वाई बचेगा इक्वल, अब 5 के बाद जब 100 में देंगे तो कितना बचेगा 20, तो एक्स माइनस वाई बराबर 20, ये बन गया हमारा समीकरण फर्स्ट। मैंने क्या किया कि ए की चाल एक्स मानी और बी की वाई मानी, दूरी बराबर चाल गुणा समय, पहले इसका निकाल लिया फिर इसका निकाल लिया, ये मान लेते हैं ए की दूरी और ये मान लेते हैं बी की दूरी। अब देखिए इतना हो गया, अब फिर कह रहा है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती इस तरह से ऐसे, तो एक घंटे के पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब इस तरह से चलेंगी, इस तरह से ऐसे चल रही विपरीत में, तो क्या होगा कि जुड़ जाएगा, तो यक्स प्लस वाई इक्वल, अब इन दोनों इस तरह से चल रही हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो जब इधर को आएंगे इस साइड को तो दूरी तो वही रहेगी 100 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल 100, ये बन गया हमारा समीकरण सेकंड। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का इससे कट, तो एक्स एक्स कितना हो गया 2x बराबर 100 और 20 कितना हो गया 120, तो x बराबर आ गया हमारा 60, यानी कि जो एक ही कार है एक ही चाल x मानी थी, तो a चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, एक ही चाल आ गई 60 किलोमीटर, यहाँ पे लिख देंगे एक ही चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति आवर। अब b की चाल निकालेंगे, तो इस अब क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक ये दिया गया x माइनस वाई बराबर 20, तो x माइनस वाई बराबर 20 लिख लेंगे, x का मान आया 60 माइनस, अब देखिए ये प्लस का 20 जब इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 20 इक्वल, ये माइनस का वाई जब उस साइड जाएगा तो प्लस का वाई, और 60 में 20 जाएंगे तो 40 बराबर 5, तो यानी कि जो b की चाल आई वो आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे लिख देंगे b की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो अब देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाई ज्ञात कीजिए, यानी कि लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई, तो यहाँ पे मान लेंगे माना आयत की लंबाई बराबर यक्स और चौड़ाई बराबर मान लेंगे हम वाई मीटर। फिर प्रश्न में कह रहा है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती, तो लंबाई यक्स है तो एक्स में 5 इकाई कम कर देंगे। फिर आगे कह रहा है कि चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती, तो चौड़ाई है तो चौड़ाई में 3 इकाई मैंने क्या किया जोड़ दिया, तो क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई को मैंने x माना तो x और चौड़ाई को कितना माना y तो y, अब कितना कम हो जाता है 9 वर्ग इकाई, तो इसमें 9 कम कर दिया। इतने में कोई दिक्कत कि इसमें 5 कम करने कह रहा है लंबाई में और चौड़ाई में 3 जोड़ने को कह रहा है, तो मैंने कर दिया,
और क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी आ जाती तो इतना कर दिया। अब इसका गुणा कर देंगे तो एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स वाई आ गया, और फिर एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 3x आ गया। अब यह माइनस का जीने तो माइनस का, 5 का गुणा वाई में करेंगे तो 5y आ गया, और माइनस 5 का गुणा प्लस 3 में करेंगे तो आएगा माइनस का 15 इक्वल इसका एक्स वाई हो जाएगा, और ये माइनस का 9 ऐसे ही रहेगा, ये एक्स वाई ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 3x प्लस का 3x माइनस 5y इक्वल एक्स वाई, ये माइनस का 9 है, ये जब माइनस का 15 उस साइड जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, और ये एक्स वाई ऐसे ही रहने देंगे। ये जो एक्स वाई ये प्लस का है, जब इस साइड ले आएंगे तो माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, और ये प्लस का 3x माइनस का 5y इक्वल, जब माइनस 9 में प्लस 15 जाएगा तो 6 बचेगा। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, तो इससे गए कट, तो ये क्या बचा 3x माइनस 5y बराबर 6, ये बन गया हमारा समीकरण फर्स्ट। फिर देखिए अब आगे कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी लंबाई में भी 3 इकाई बढ़ाना है तो लंबाई में 3 बढ़ा दिए, और चौड़ाई में भी 3 बढ़ाना है तो चौड़ाई में भी 3 बढ़ा दिया, चौड़ाई में 2 कह रहा है सॉरी, तो यहाँ पे 2 कर दिया, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल एक्स वाई था तो एक्स वाई, अब उसमें 9 वर्ग इकाई कम हो जाता तो मैंने 9 वर्ग इकाई घटा दिया था, अब इसमें बढ़ जा रहा है तो इसमें क्या करेंगे प्लस का 67 जोड़ देंगे। अब इतनी बात समझ में आ गया। अब देखिए फिर इसमें गुणा करेंगे तो एक्स वाई प्लस का, अब 3 का गुणा वाई में करेंगे तो 3y प्लस का, अब एक्स का गुणा 2 में करेंगे तो 2x प्लस, अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा। देखिए एक्स का गुणा वाई में किया तो एक्स वाई प्लस, अब x का गुणा 2 में किया तो 2x, अब इसका इसमें किया 3y और इसका इसमें कर दिया तो 6 इक्वल, ये ऐसे ही रहने देंगे एक्स वाई प्लस 67। देखिए जब एक्स वाई को इस साइड लाएंगे तो ये कट जाएगा, तो यहीं मैं इसी तरह से यहीं पे काट दिया, अब ये 2x प्लस का ये 3y इक्वल, अब देखिए ये 67 है, और ये जब प्लस का 6 जब उस साइड आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पे, और जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा प्लस का, तो यह बन गया हमारा समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, तो इन दोनों को हल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं अब हल कर रहा हूँ, 3x माइनस 5y बराबर 6, ये फर्स्ट है और सेकंड है 2x प्लस 3y बराबर 61। तो क्या करेंगे कि अब ये मिल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे कि इसमें 2 का गुणा कर दें और इसमें 3 का गुणा कर दें तो ये x x वाले बराबर हो जाएंगे, तो 2 तैयार 6x माइनस 2 पंचे 10y बराबर 6 दूनी 12। यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण एक में 2 का गुणा करने पर तथा 2 में 3 का गुणा करने पर, तो इतना हो गया, ये बन गया हमारा फर्स्ट समीकरण। अब दूसरे में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9y बराबर, अब 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 एकम 3 36 18, ये है समीकरण सेकंड। अब ये देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का तो कटेंगे नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, तो ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का इससे गया कट, तो माइनस का 10y और माइनस का 9y तो कितना हो जाएगा माइनस का 19y बराबर, अब ये माइनस का 183 में प्लस का 12 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 100। तो देखिए अब इसमें इसको घटाए तो माइनस का 171 आया, तो इस माइनस से ये माइनस कट गया और 19 नवैया 171 तो y बराबर आ गया 9। अब क्या करेंगे कि चौड़ाई कितनी आ गई 9 मीटर, यानी y चौड़ाई में आ रहा था तो 9 मीटर आ गई। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक ये था ये वाला, तो 3x माइनस का 5y तो 5 इंटू वाई का मान कितना आया 9 इक्वल 6। अब 3x माइनस 9 पना 45 बराबर 6, 3x बराबर ये 6 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 45 जब उस साइड जाएगा इक्वल के तो हो जाएगा प्लस का 45, 3x बराबर 6 5 11 4 1 5 x बराबर आ गया 17 51, यानी कि आयत की लंबाई आ गई 17 मीटर और चौड़ाई आ गई 9 मीटर, तो यही निकालना था हमको। अगर क्षेत्रफल पूछे तो 17 गुणा 9 कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।